हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बहुत शॉर्टली बनाया गया है ताकि आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखें और अपना रिविजन करके जाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन हैं या जितने भी वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, त्यौहार हैं, उन सभी से वीडियो लिप बनाया गया है। तो वीडियो बहुत गौर से देखें दोस्तों, और आपका जब भी एग्जाम हो उससे 2-3 दिन पहले ये वीडियो आप कम से कम 3 बार देख लें, आपको पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों, आज तो हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की। इससे पहले हम यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स की बात कर चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की मैप की। तो दोस्तों, भारत के मैप में अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मैं आपको बता दूं किस किस राज्य से इसकी सीमा साझा करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रफ कर दूं, पहले यहाँ पर सबसे पहले असम राज्य से सीमा टच करती है, यहाँ से नागालैंड से असम की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा छूती है। इस तरफ म्यांमार देश है, इस तरफ तिब्बत है और इस तरफ भूटान। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है। इसके अलावा अदर किसी स्टेट से इसकी सीमा नहीं लगती है। बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी ईटानगर है। राज्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां राज्य का, देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य। बात करें सीमाओं की, तो उत्तर व उत्तर पूर्व में तिब्बत व चीन से मैंने आपको मैप में बता ही दिया है, दक्षिण में असम और नागालैंड से, पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है या सीमा लगती है। राज्य की भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 938 महिला प्रति 1000 पुरुष, ये लिंगानुपात है। दोस्तों, बात करें राजकीय पशु की, तो मिथुन राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पीकॉक्स एजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है। दोस्तों, एजेंट यहाँ पर फेजेंट है, फेजेंट। बात करें राजकीय तितली की, तो केसर हिंद राजकीय तितली है, वहीं राजकीय वृक्ष होलोंग है। कुछ और फैक्ट की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, जिले 25 हैं, राज्यसभा सदस्य 1 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। बात करते पर्यटन केंद्रों की, तो तवांग, दिरांग, ईटानगर, रोइंग, बोमडिला, दजीरपो, डोसा, नामदफा, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं अरुणाचल प्रदेश में। वहीं प्रथम राज्यपाल KAA राजा हुए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री PK थुंगन हुए। मुख्य त्यौहार में नयोकम, लोसरखन, सिडोना और अरन, ये प्रमुख त्यौहार हैं अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं यहाँ के खनिजों की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर प्रमुख खनिज देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्की राष्ट्रीय उद्यान और कामलांग, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं यहाँ की जनजातियों की, तो आदि, बुगुन, सिंधु, मिसमी, मोनपा, बांचो, योविन, डफला प्रमुख जनजातियाँ हैं। वहीं कुछ दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेंगे, तो दर्रों में बोमडिला, बुमला, दिहांग, दीफू, शैला, नूरा, ये दर्रे आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलेंगे। दोस्तों, बात करें परशुराम कुंड की, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड, डफला, मीरी और अबीर मिसमी, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये चार पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलेंगी। फिर से बता दें, डफला, मीरी, अबीर, मिसमी। दोस्तों, आपको पता होगा इसका पुराना नाम नेफा है, NEFA, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। डफला और मीरी पहाड़ियां चाय हेतु प्रसिद्ध हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। मैप में मैंने आपको बता ही दिया था, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बात करते कुछ और फैक्ट की, तो पटकाईभूम पर्वत अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलेगा। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। 33% ग्रेफाइट का भंडार भारत में आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलेगा। सिंगल एंड स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज सियांग नदी पर बनाया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार का नाम अरुणा भूमि था। IUCN से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य है। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा इसी राज्य की छूती है, यानी भारत के जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा म्यांमार से लगती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपसे ये बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
नामचक नामफो कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, और खासी पासी खाग की लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये लोक नृत्य या त्योहार या राष्ट्रीय उद्यान या फिर जनजातियाँ, यहाँ से तो आपके एग्जाम में SSC के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये तो ही आपको कम से कम 10 से 15 बार रट ही लेना है, आप किसी भी पेज पर आप लिखें और बार बार इन्हें प्रैक्टिस करें, आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। और मेरी गारंटी है, इस वीडियो से ज़्यादा बाहर आपके किसी भी एग्जाम में, SSC या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो दोस्तों ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, नागालैंड की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में है। आपको रफ करके बता दूं किस किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, किस किस देश से। तो ऊपर से बात करते हैं, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, इस तरफ से असम है, एक तरफ से मणिपुर आपको देखने मिलेगा। ये तो 3 स्टेट हो गए भारत के जिसकी सीमा नागालैंड से लगती है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरफ से म्यांमार से, ये आप देख पा रहे होंगे म्यांमार देश है, म्यांमार से सीमा लगती है। तो ये भी आपको नजर आ रहा है मैप में। तो कुल 4 से नागालैंड की सीमा लगती है। बात करते हैं नागालैंड की राजधानी की, तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। स्थापना 30 नवंबर 1963 को की गई थी। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और इसका खंडपीठ कोहिमा है। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1 सीट आपको नागालैंड में देखने मिलेगी। मैंने पड़ोसी राज्य आपको बताई दिए मैप में, फिर भी आपको यहाँ बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ये तीनों पड़ोसी राज्य नागालैंड के। वहीं पड़ोसी देश में म्यांमार सीमा साझा करते। राजकीय पशु यहाँ पर मिथुन है, राजकीय पक्षी ब्लैक ट्रैगोपान है, राजकीय वृक्ष अल्देर है, राजकीय फूल कोकोग है नागालैंड में। बात करते हैं राजकीय त्योहार की, तो हॉर्नवेल सेक्रेनी मोआत्सु, हॉर्नवेल सेक्रेनी और मोआत्सु दोस्तों ये नागालैंड के प्रमुख त्योहार हैं, जिसमें हॉर्नवेल तो कम से कम हर SSC के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। बात करें लोक नृत्य की, तो रंगमा जीलैंग और गिलीगथम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान में इंटक राष्ट्रीय उद्यान, रंगपह राष्ट्रीय उद्यान, फकीम राष्ट्रीय उद्यान और सिंगफन राष्ट्रीय उद्यान ये आपको नागालैंड में देखने मिलेंगे। जनजातियों में सिटेंग नागा नबुई और कोन्याक जनजातियाँ आपको देखने मिलेंगी। नेक्स्ट कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तो नागा पहाड़ियाँ आपको नागालैंड में देखने मिलेंगी। नागा से आप याद कर सकते हैं नागल या नागालैंड, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी यहाँ की है, तो आपको इतना नागालैंड के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।